हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रयोग यूट्यूब चैनल पर। लीजिए दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक और वैकेंसी निकल के आ गई है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले जाऊंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ झारखंड RDD। तो ये जो RDD होता है, अप्लाई RDD झारखंड .gov.in, ये जो लिंक है ये रूरल डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है हम लोग को, जिसका ओपनिंग डेट 5/10 है और क्लोजिंग डेट 12 को है, यानी कि 12/10। तो इसका यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा हम लोग का, और रजिस्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर टू अप्लाई, वहाँ पे अगर क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू इंटरफेस सामने आ जाएगा और जहाँ पे आप लोगों का डिटेल वगैरह मांगेगा यहाँ पे सब कुछ सबमिट करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का यूजर पासवर्ड आ जाएगा, फिर लॉगिन करके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया हूँ, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिया गया है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया गया है, दो वैकेंसी है, जनरल के लिए एक और ST के लिए एक है। सैलरी की बात करें तो 18,000 दिया गया है, 190 18,190 आप लोगों का मंथली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दो वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 30 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र की गणना यानी कि कैलकुलेट जो कीजिएगा, उम्र आप लोगों का 1/9/2019 के आधार से कैलकुलेट कीजिएगा तो 18 से 30 हो जाना चाहिए, ये आप लोगों का एज दिया गया है। नीचे पाइएगा, आवेदन का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा, जिसमें से आप लोगों का 50% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लाना होगा और बाकी जो आप लोगों का पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए 40 दिया गया है। तो जनरल के लिए 50% है, OBC के लिए 45% दिया गया है और SC ST के लिए 40% आप लोगों को लाना पड़ेगा अगर उत्तीर्ण होना है इसमें। तो ये डिटेल निकल के आती है और अप्लाई किस तरह से करना है वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ भी दिया गया है। देखिए 5/10/2019 से 12/10 तक अप्लाई कर सकते हैं और ये उसका लिंक है जहाँ से मैं इस PDF को डाउनलोड किया हूँ। तो यही रिक्वायरमेंट निकाल के आई है RDD यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। जल्दी से आप लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो इसको अप्लाई कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को ये मिले वीडियो, और उन लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो जरूर से उन लोग भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।